guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on all my birthday series episodes. आप लोग मेरे birthday series को super duper hit कर रहे हो. Thank you so much. Trust me, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है. आप सबको तो पता है मेरे घर पे शादी है and हम लड़की वालों के side से हैं. तो there are so many things to do. और मेरी मम्मी बोल रही थी अब इसके बीच में तेरा birthday series कहाँ से डाल रही है? तू कहाँ से manage कर पाएगी? But ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं मैनेज भी कर रही हूँ कैसे भी करके. एंड जब आप लोग ना इतना ज्यादा प्यार देते हो इन रिटर्न, तब ऐसा लगता है कि यार मेहनत सफल हो गई. एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड आपको अब तक थंबनेल से मालूम पड़ गया होगा, आज मैं जा रही हूँ एक ब्लाइंड डेट पे. यार मैंने लाइफ में ये नहीं किया है. इनफैक्ट लाइफ में छोड़ो, लड़कों से क्या बात करते हैं मुझे आइडिया है ही नहीं. फ्रॉम इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ दैट आई एम सिंगल एंड आई हैवंट बिन इन टच विथ एनी गाय और रियली टॉकिंग टू एनी वन, यू नो. तो मुझे, मैं भूल चुकी हूँ लड़कों से बात क्या करते हैं, कैसे जाते क्या करते, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. एंड यार नॉर्मली भी मुझे आइडिया नहीं है, ये तो ब्लाइंड डेट है. दिस इज ब्लाइंड डेट इन द लिटरल सेंस. माय फ्रेंड डिम्पी सेट मी अप विद दिस गाय, आई डोंट नो हिज नेम. अभी नंबर वो मुझे भेजने वाली है कुछ टाइम में, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट. आई एम लिटरली ट्रस्टिंग माय बेस्ट फ्रेंड डिम्पी एंड मीटिंग दिस गाय, बिकॉज उसने कहा है कि अच्छा लड़का है, तुझे भी अच्छा लगेगा. एंड ही इज ऑल्सो लाइक यू नो वॉन्टिंग टू बी विद समवन, तो यू नेवर नो वॉट इफ यू ऑल क्लिक एंड इफ यू ऑल डोंट क्लिक, इट्स ओके. आज के बाद से बात करना एक दूसरे के साथ. एंड आई एम लाइक ठीक है यार, फेयर इनफ. प्लस ये चीज मैंने आज तक लाइफ में की नहीं है. नंबर टू, 2022 खत्म होने वाला है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो मैंने आज तक किया नहीं, तो दिस ऑल्सो टिक्स द बॉक्स. एंड नंबर थ्री, कि इवन आई एम सिंगल एंड वाई नॉट जस्ट यू नो एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ अ मीटिंग एज वेल. तो मैं ये चीज इसलिए करने जा रही हूँ. सो एनीवेज गाइज, दिस इज गोइंग टू बी टूडेज वीडियो. मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मेरे हाथ में देखो पसीना आ रहा है. लाइक मुझे सच्ची में नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं. मैंने रात को डिम्पी को बोला भी था कि यार कैंसिल कर देते, मेरे से नहीं होने वाला. बट चीज लाइक चुपचाप जा, यू नीड दिस, यू हैव टू गो आउट एटलीस्ट. कब तक घर पे बैठकर वीडियोस बनाएगी? थोड़ा बाहर जा, थोड़ा एटलीस्ट यू नो मिल लोगों को. इफ नॉट डेटिंग, जस्ट मीट समवन, वो तेरा दोस्त बन जाएगा इफ नॉट अ बॉयफ्रेंड. एंड आई एम लाइक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हाट शी इज स्पीकिंग. एनीवेज गाइस, तो अब मैं तैयार होने वाली हूँ. मैं ऑलरेडी मेरे बाथरूम में हूँ, मैं नहा धोकर बाहर आ गई हूँ. वी आर गोइंग टू मीट फॉर लंच एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड आई थॉट आई गेट रेडी विथ यू गाइस. एंड जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपको तो पता ही कि माई स्किन इज नॉट एट इट्स बेस्ट नाउअडेज. लाइक देर आर सो मेनी डार्क स्पॉट्स, सो मेनी क्लॉक्ड पोर्स, माई स्किन डज नॉट फील एट इट्स बेस्ट. एंड इसका रीजन मुझे अच्छे से पता है. मैंने पूरा नवंबर बहुत सारे आउटडोर शूट किए थे बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन, बिकॉज ऑफ विच जब आप आउटडोर शूट करते हो तो इतना हार्ड सनलाइट होता है, प्लस एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ विच आपकी स्किन बहुत एग्रीवेट हो जाती है. सो व्हाट आई थॉट इज, मैं अभी अपने स्किन केयर रूटीन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करती हूँ विच आर फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेंस एंड सल्फेट्स, जिसकी वजह से मेरे स्किन को थोड़ा सा यू नो आराम मिलेगा एंड स्किन थोड़ी काम डाउन होगी. तो आई हैव बीन यूजिंग दिस पोल्यूशन डिफेंस रेंज फ्रॉम नेचुरली. आपने ऑब्वियसली ये ब्रांड के बारे में सुना होगा. आई थिंक नाउअडेज अ लॉट ऑफ देम आर यूजिंग दिस एंड इट हैज गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स. पहले मेरा स्किन ज्यादा यू नो फ्लेयर अप हो गया था, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, बट अब यू नो बहुत ज्यादा बेटर हो गया मेरा स्किन. दैट इज वाई आई डिसाइड टू कंटिन्यू यूजिंग दिस. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट यूजिंग देयर फेस वॉश. इट इज देयर पॉल्यूशन डिफेंस फेस वॉश विच अनक्लॉग्स द पोर्स. एंड गाइज, दिस फेस वॉश ऑल्सो हैज ऑल नेचुरल इंग्रीडियंट्स एंड दिस फेस वॉश हैज माई टू मोस्ट फेवरेट ingredients that I have to use in my skincare routine जो मुझे इस फेस वॉश के अंदर मिलेगा. One is avocado and the second is charcoal. So guys, let's start using this now. So guys, this face wash has a super creamy texture like you can see and it deeply cleanses the skin. The avocado in it has healing properties and nourishes the skin, whereas the charcoal has antibacterial properties. And like you can see, it has made my skin squeaky clean, giving it this very nice sheer glow. This naturally pollution defense face wash is priced at ₹195 only. Now it's time to moisturize my skin and for that I'll be using this Naturally's Pollution Defense Daily Moisturizing Cream. Guys, bahut hi beautiful formula hai ye and iske andar hai red raspberry and avocado and jaise ki aap dekh sakte ho maine kafi had tak ye bottle khatam kar diya hai. Guys, this moisturizing cream by Naturally has avocado and red raspberry, which gives the cream a mild fruity fragrance. This cream fights impurities and toxins and creates a nice barrier against pollution. I like how it leaves my skin super soft and hydrated. And lastly, for the sunscreen, I'll be using this Naturally's Pollution Defense Sunscreen. Guys, either I'm sitting at home or going out, I have to use a sunscreen every single day without fail.
And guys, it's always important to check the SPF value of the sunscreen you're using. This Naturally sunscreen has SPF 35 PA++++ and prevents skin damage. And like you saw, it is a super transparent gel formula that just disappears into my skin. And this one has green tea and avocado that helps block more than 97% of UVB rays, guys. So guys, finally I'm done with my skin prep using these Naturally products. Trust me guys, these products are working beautifully on my skin. In case if you are also facing some issues here and there on your skin and you are searching for a brand which is nature inspired, then these products are amazing for you guys. Do give it a try. These products are very very pocket friendly. Apne already iska price dekh liya hai, but in case if you're interested, you can use my code naturally30 and get additional 30% off. I think it's a complete steal deal. So guys, now it's time for my makeup, outfit and hair for today. मैंने आउटफिट के लिए दो ऑप्शंस कल रात को निकाल के रखे थे. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. हाय गाइस, तो मैंने इतना मेकअप तो कर लिया है फटाफट, बहुत नेचुरल लुक के लिए गई हूँ, बट ओनली आई गॉन हैवी ऑन माय आईज एंड द मस्कारा लाइक यू कैन सी एंड आई गॉन लेंसेज. थोड़ा अच्छा लगता है. एंड गाइस, ऑप्शन के लिए ना मेरे पास ये है एंड ये है. नाउ दिस खुशी इज टेलिंग मी कि थोड़ा डेट नाइट के लिए अच्छा लगेगा जब तो रात हो जाएगी तो, बिकॉज थोड़ा क्लबिंग वाला है. बट दिस मेक्स अ वेरी क्यूट ना, ये जो अभी ब्रंच टाइप आउटफिट जो मैं अभी के लिए जा रही हूँ, तो आई थिंक दिस लुक्स रियली नाइस. और मैं फटाफट आपको ये पहन के दिखाती हूँ. सो गाइज, आई एम रेडी एंड आई एम नॉट वेरी इधर ऑफ द टू ड्रेसेस बिकॉज आई एम वेरिंग दिस वेरी क्यूट स्कर्ट फ्रॉम जारा. बहुत ही क्यूट, यू नो, डे वाला वाइब दे रहा है ये. एंड दिस टी शर्ट इज फ्रॉम ओबैनिक और शीन, आई डोंट नो. एंड मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सिंपल आउटफिट बन गया है. एंड फॉर इयर रिंग्स आई एम गोइंग विद दिस वन, मैंने हिल रोड से खरीदी थी. सो आई थिंक आई एम डन नाउ. एंड डिम्पी इज जस्ट सेंड मी हिज नंबर. हिज नेम इज हर्ष. ओके, एंड आई विल बी कॉलिंग हिम राइट नाउ एंड आस्किंग हिम वेदर ही इज कम्फर्टेबल मी फिल्मिंग और नो. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वरना मुझे ये वीडियो यहीं पे कैंसिल करनी पड़ेगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके गाइज, सो आई एम फिल्मिंग ऑन माई फोन, तो मैंने अपने घर के हाउस हेल्प का फोन लिया है टू कॉल हिम. एंड लेट्स सी. ओके, हेलो 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 हेलो. हाय हाय हर्ष, हाउ आर यू? I'm good, how are you? Good. Dimpi has booked a table at Kaima for 3 o'clock. Lovely. Yeah. So, what do you want to do? You want to pick me up or should you directly meet at Kaima? Yeah. No, of course, I'll come pick you up. Okay, great. And I just wanted your permission for something. So I'm a YouTuber and I make vlogs. So I wanted to just film this also for my channel, if you're comfortable. I'm not so sure about that. I mean, I'm kind of shy in that way. Okay, so what if I don't show your face? Yeah, that would be nice actually. Thank you. I completely understand it's the first time for you, but you know, I really, really want to film this for my channel. Sure. You do what you have to do, but just a small request, it'll be a little odd for me. So. Completely understand. Right. Thank you so much. Thank you so much, and I look forward to seeing you. Same here, I'll send you my address and you can just pick me up around 2:30. Sure. Please do that. Okay. Thank you, Harsh. Bye. Bye. Oh my god! Okay, so he seems to be pretty nice and looks like a gentleman as well. देख के मालूम पड़ेगा, but I am very happy. बहुत अच्छे से भी बात किया उसने. And the best thing is he's letting me film this. So this video will not be discontinued from here onwards. I will be filming the entire first ever blind date video for you guys. So super excited. So let me quickly do my hair now and leave. And मैं उसको address ही भेज देती हूँ मेरा. And he's coming to pick your girl up. सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन जब मैंने अभी फोन पे बात किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वार्म लगा, बट पेट में मेरे को थोड़ा अजीब हो रहा है, यू नो, आज आई डोंट नो व्हाई. इफ यू ऑल आर फॉलोइंग मी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यू ऑल नो दैट माय फर्स्ट एवर मीटिंग अ गाय एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी बैड. लाइक जब मैंने बचपन नहीं मतलब व्हेन आई वॉज अ टीनेजर एंड गॉन टू मीट अ गाय, एंड वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खराब रहा था. तो आई थिंक दैट इज अ रीजन मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ लोगों को मिलने के लिए, बिकॉज इट्स जस्ट इनबिल्ट इन माई हेड. एंड आई थिंक टूडे कैन बी द
a day which can change my entire perception about this. So super duper excited. And yeah, I'm just waiting for his call. जैसे ही वो call करेगा मैं नीचे जाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि मैं आप लोगों को कहाँ fit कर सकती हूँ मेरे date पे, कि you all can be and you know experience my entire first blind date. So let's see. Hi guys, so I've just sat in Harsh's car. Harsh is sitting right next to me, but he's told me not to show his face because he's a little awkward. Hi Harsh, say hi to my vlog. So we are reaching Cayman sometime and we've done our bonding session. 20 minute ho gaye mujhe gaadi mein baith ke, and we'll be reaching in next 2 minutes. So we are just looking forward to eating because hum dono ne nahi khaya hai. And yeah, fir jaakar main aapko dikhati hu hum kya kar rahe hain wahan pe. Mine is better, है ना? You wanna have it, have. करते रहेंगे share. You are too pretty to get bothered about small things. So what did you find out? Okay, so I was saying that Dimpy just told me that मैं तेरे को निकलने के half an hour पहले I'll give you his name and number because she also knows my tendencies. But तुमको पहले दे दिया उसने? नहीं, उसने नहीं दिया. So obviously she gave me your name and number as well, but she only gave me your first name, right? Okay. And then on her friend list, I was the only Isha. That's smart. Yeah. Cheating karta hai tu. Cheating karta hai tu. So, and I definitely when I saw you, I was even more excited. So sweet of you. So you knew who is coming to meet today? Very briefly, but two minutes ke liye I saw. Okay. So, Nice. So I did not know anything about you. And सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि how do you know Dimpy? So Dimpy and I used to work out together. We met at the gym. Oh, really? Yeah. You're like gym friends. Yeah, and she. And then she kind of knew that, you know, I'm not dating anymore. Okay. You know, after a few experiences that I've had, I've taken a bit of a break from the whole dating chapter. Yeah. So she kind of encouraged me, and I was not looking for anything meaningless or casual. You know, I'm at that stage in my life where I would look at something seriously. So she said, well, I have the perfect person for you because I think maybe your space is also similar. Somewhat. Yeah. Which I understood. So she thought it would be a good idea for us to catch up, become friends, see how it goes. Definitely. And likewise, you know, I am also in the same stage right now where I've been single for the last approximately a year. So and I have not even been talking to anyone, so trust me, this is a very very uncomfortable situation I've put myself into, where I'm meeting a guy who I don't know at all. But 2022 is ending and we need to do things we've not done yet. Sure, absolutely. well said. Cheers to that. Cheers to that. And I hope that your comfort level is better now. Much better. Like I was vlogging before I came, like I told you, and in my video I was only saying that यार मेरे पेट में मुझे बहुत बटरफ्लाइज हो रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे तो, इसलिए क्योंकि भूख लगी है. भूख नहीं लगी.
So I think we need to feed you some delicious. I ate food and I came so that I'm not hungry, and when I'm hungry I get angry. So I don't I didn't want you to see that side of mine. Yeah, I don't. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. Not just yet. So tell me more about your vlogs and what you do and what you're up to. My work. Oh. So basically, I have been working as a social media influencer for the past 2 years briefly. I've got influenced, definitely. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. If you keep telling on such things, I will not be able to concentrate. But yeah, 2 years. Well, I'm having a hard time concentrating looking at you, so tit for tat. There you go. भाई मजा आया. So yeah, 2 years. Amazing. Yeah. Yeah. What about you? What are you doing? Well, I'm just a regular boring guy. I wear a suit to work. I'm an investment banker. Nothing. You are an investment banker? Yes. Paisa hi paisa hoga. Nothing as fancy and interesting as you. But yeah. Where do you work? So I work for a multinational firm. Okay. And we specialize in high net worth individuals wealth management. Okay. Yeah. Okay. That's nice. Aur hamare bhi paise invest karwa do kahin pe. नहीं, वो मैंने 500 करोड़ डुबा दिए अभी किसी के, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. आई एम जस्ट किडिंग, मैंने नहीं किया ऐसा. बट आई डू वांट सम रियल गुड एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प मी टू टेक एंड पुट माय मनी इन द राइट स्पॉट्स. ओके, आई कांट डू दिस एनी लॉन्गर. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. आई वाज पुलिंग अ फास्ट वन ऑन यू. आई एम एन एक्टर, एन एंटरटेनर. वेट अ मिनट. फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी शक्ल फेमिलियर है, बट आई कुडंट आस्क. सो यू माइट हैव सीन दिस फिल्म. या यप. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? Oh my God! I don't believe it. Is that you? That is me. Yeah, you don't look like that, but so, much better actually in person. Thank you. So that was a different character. The next one that I'm doing has a different character, and I'm playing an investment banker in that. That is the reason. So, okay, that's amazing. Yes. So yes, your no. life is even more fancier than mine. It's not, trust me. It's just pure slogging and no glamour whatsoever. Really? If I'm not wrong, are you also a part of that film? You are, right? Because मुझे ना उस movie से ज़्यादा एक relate कर पा रही हूँ मैं, right? Cheers to that. Really? So guys, Dimpy has set me up with an actor, and trust me, I've watched that film and it is an amazing film. And you were quite young at that time, right? Amazing. I did not know his date ke through I'll meet somebody who I really adore. Oh my God, that is so sweet. I'm at a loss of words now. Wah, kya scene hai. Wah, kya scene hai. कैसा लगा? Nice. Outstanding. Too good, guys. The food is like amazing. I think मैं food blogger बन जाता हूँ इसके बाद. क्या बन जाते हो? Food blogger. We can try out a lot of new places by the way. तुम खाने को तो मिलेगा. हाँ. मैंने तुमको list दिखाई है. We can try next time. बोल रही थी कि
after being in a serious relationship, I was in a relationship for 3 long years. And uske baad, abhi when I'm out of it, I feel like I'm breathing fresh air. I agree. और मुझे तक सुकून मिल रहा है ना कि मुझे फिर से मतलब चाहिए भी बट नहीं भी चाहिए. I'm in that. So it depends on the kind of partner that you have. Like usually what happens in relationships, in my experiences, your life is suddenly somebody else's. Yeah. Your entire routine, your choices, everything becomes according to the other person. Yeah. Like, you know, you are ready to give up your own routine a lot of times. Everything. And uske hisab se tum chalne lagte ho bahut time. So mujhe samajhta nahi ki is like people say in being in a relationship is beautiful. But it's supposed to be liberating, not exactly. Ki jaise ki when I got out of this relation of mine, I started feeling like ha, like wo wala aaya, which shows that I was in a toxic relationship. Who? Aati raho. सर ये व्हाइट सॉस भी थोड़ा और दीजिएगा. हर्ष को खाना बहुत पसंद आया यहाँ का. I made a good choice. खाने से ज़्यादा कंपनी पसंद आई. कंपनी अच्छी लगी? Yes. इस कंपनी को फिर से मिलना चाहोगे? इस कंपनी को मैं जितना प्रोलॉन्ग कर सकूँ पहले तो वो कोशिश करूँगा मैं. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ताकि फिर से मिलने की बात बाद में हो और यही कंटिन्यू रहे थोड़ी देर और. एक बात बताओ. बोलो. तुमने कल प्रोफाइल देखा, अब मेरे को देखा, तो एक अच्छी चीज, सबसे अच्छी तुम्हें क्या लगी मेरे में? तुमने नेचर के बारे में तो बोला. Yeah, that's exactly the first thing that I noticed was that you're a real person. You're, there is no pretense that I could see, you know, which I appreciated. So मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगी. And obviously you are so beautiful, so that is an added advantage. And I feel that our energies match and we can be good friends to start with. Yeah. So you think we can have a next meet very soon? Of course. Yeah. For sure. I think likewise. I felt the same meeting you. And tumhare mein agar mujhe ek cheez bahut achhi lagi is your eyes. And guys, that was the end of my first date with Harsh. मुझे एंड में फोटोज लेने थे बिकॉज कायमा का एम्बियंस बहुत प्रिटी था एंड ही इज लाइक चलो मैं आपकी ले लेता हूँ फोटो. एंड दैट वॉज रियली स्वीट, अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग वंस अगेन बिकॉज बींग एन इन्फ्लुएंसर यू नो हमें फोटोज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. लास्ट में बिफोर एग्जिटिंग वी टुक अ फोटो टुगेदर एज वेल. Hi guys, so I'm back home and I've changed into my night dress and trust me, I really cannot stop blushing. Today's day was so beautiful and I'm so happy I did it. Like the Isha who left the house was really nervous and you know was full of anxiety, but right now I'm very very content with the decision I took and I'm very happy with the day I spent with Harsh. Trust me, he was really warm, very welcoming and very accommodating. Accommodating, you know, because camera rakhna, of course he's an actor, so he is already familiar with having, you know, cameras around, but still you know, this is really sweet of him ki he let me vlog and wo mujhe angles bhi bata raha tha, you know, I think you should keep it like this, the light is right here, the light acche se aa rahi hai yahan se. So it was overall a very very beautiful day spent. Mujhe nahi pata aage kya hoga. I don't know how this is going to turn out, but I am definitely going to be very very good friends with him is what I have derived from today's day. So yeah guys, that's it, and very very happy that he let me vlog because I really wanted you all to experience that rawness of this vlog. Mujhe chahiye tha ki aap log dekho ye cheez. That brings us to the end of today's video guys. If you like this video, please hit the thumbs up button, please share this video with your friends and family, and please subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. Aur agar aapne bhi aisa kabhi blind date experience kiya hoga, please let me know your experience in the comment section because my experience was good and I rate my today's day a complete 10 on 10. Very very excited, and yeah, I'll let you know what happens next.